मैं अभी पटना के हंस भवन में हूँ। यहाँ 67वीं BPSC PT के लिए जो दाखिला टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। टोटल 385 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें 238 पुरुष और 147 महिलाएं हैं। पुरुषों में मोहम्मद आसिफ एहसान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि महिलाओं में शगुफ्ता नास को पहला मुकाम हासिल हुआ है। ख़ास बात यह है कि गैर मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में महिलाओं में अनुभति कुमारी और मोनिका रानी के अलावा पुरुष में निर्मल कुमार को भी कामयाबी हासिल हुई है। दाखिला टेस्ट में कुल 2311 उम्मीदवार शरीक हुए थे। इनमें 1718 पुरुष और 593 महिलाएं थीं। रिजल्ट बिहार स्टेट हज कमेटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस बार की सबसे ख़ास बात यह है कि सीटें बढ़ा दी गई हैं। पहले जहां 150 सीट हुआ करती थी कोचिंग के लिए, अब उसको सीधे बढ़ा करके 400 कर दिया गया है। हज भवन का जो रिहायशी कोचिंग निज़ाम है उसके लिए पहले से भी 100 तलबा और 50 तालिबात का इंतखाब होता रहा है और हमारी कैपेसिटी इतने की ही है। लेकिन इज़्ज़त माब जनाब जमा ख़ान साहब और वज़ीर महकमे अकलियती फलाह की ज़ाती दिलचस्पी और महकमे की ख़ास तवज्जो की वजह से सीट में इजाफे की कोशिश हुई है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 100 ख़वातीन को और 150 मेल SP कैंडिडेट्स को हम लोग इजाफी सिलेक्ट करेंगे और मुतबादिल इंतज़ाम उनका किया जा रहा है। 250 बच्चों के रिहायशी कोचिंग मंसूबे के लिए 400 बच्चे हो जाएंगे। मजलत यूनिवर्सिटी के कैंपस में और भी जगहों पे उसके बारे में महकमे की सतह पे कोशिश जारी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुतबादिल इंतज़ाम बहुत बेहतर मुतबादिल इंतज़ाम। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिन्होंने दाखिला टेस्ट में हिस्सा लिया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरिटोरियस बच्चे यहाँ से कोचिंग हासिल कर सकेंगे। एक सबसे खास बात यह है कि हम आपको हज भवन में वो प्रोसेस दिखा रहे हैं कि जिसके तहत OMR शीट की जांच की जाती है और यहाँ हम आपको पहली बार ये दिखा रहे हैं कि वो जांच किस तरह से की जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी किस तरह से मेंटेन की जाती है। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए OMR शीट पे हम लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया है और OMR शीट पे जो भी एंट्रीज हैं वो पॉइंटेड बॉल पॉइंट पेन से मार्क करने थे और बॉल पॉइंट पेन से मार्क करने के बाद जो एंट्रीज हैं वो चेंज नहीं की जा सकती हैं और इरेजर वगैरह का इस्तेमाल ममनू है। तो और जो कुछ भी जो चेकिंग हुई है OMR शीट्स की वो OMR मशीन रीडेबल जो सिस्टम है उसके ज़रिए से हुई है और पूरा का पूरा मशीन के ज़रिए से चेक करने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार हो रहा है, उसमें मैन्युअली कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें 100% शफाफियत बाकी रखने की कोशिश हुई है। रिज़ल्ट आज डिक्लेयर करने के बाद एक दो रोज़ में इंशाल्लाह हम लोग मॉडल आंसर्स वो डिस्प्ले कर देंगे और जो भी बच्चे अपीयर हुए हैं अगर वो अपना OMR शीट देखना चाहते हैं तो उसकी भी इजाज़त होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों का यहाँ पर कोचिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है वो अपनी मेहनत और लगन से और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए BPSC PT का एग्ज़ाम जो होगा वो उसमें कामयाबी हासिल करेंगे और उसके बाद मेंस के प्रोसेस में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net, पटना।